खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हुए देखा बहुत साल पहले नॉर्वे में, तो तब पता चला मुझे कि ही इज़ अ ट्रेंड क्लासिकल डांसर। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी दिस, हैप्पी टू सी हिज एवोल्यूशन, यू नो, डूइंग सच वंडरफुल वर्क इन दिस स्पेस दैट ही हैज़ डन। आई लव्ड हिज फिल्म्स, आई लव्ड ऑल थ्री ऑफ देम, वाज़ वेरी टच्ड बाय मेहरू, and of course Atharva was so celebratory, so fabulous, so full of energy and devotion, and I really loved it, Yuvraj. Thank you. Bahut mubarak. Thank you. Congratulations to you, your entire team that has put this together, and thank you for inviting me to watch this. Thank you. Happy sabse pehli baat getting appreciation like ma'am Zinat Aman. I work with her. हम लोग साथ में 2010 से साथ में काम कर रहे हैं, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट टू वर्क विद एक्टर लाइक मैम, एंड मैं नहीं हूँ उनके आगे, एंड उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। एंड येस, आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम शी हैज सीन मी डांसिंग इन नॉर्वे, एंड फ्रॉम आई नो शी वाज लाइक आई डिडंट नो यू नो यू आर डांसर आल्सो। वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो आपने काम किया है, जो आपकी कोशिश है, जो आपने डाला है स्क्रीन पे, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, एंड इट्स सो आई एम सो ग्लैड दैट यू नो यू आर रिलीजिंग इट टुडे बिकॉज इट्स जस्ट अ परफेक्ट टाइम। सो मच जॉय and devotion in your song and energy. Yeah. Somewhere like you asked me like I felt like because I used to go to Ganpati Pandal, and main as a dancer hamesha feel hota tha ki kabhi main ek aise gaane pe dance karunga, to aaj wo maine kiya hai, and abhi do teen din baad Ganpati aa rahe hain, so I feel ke log is gaane ko sunen aur is pe dance kare aur saath mein main bhi dance karu unke. Khush ho gayi, I cannot tell you, main jab se aayi hu wahi keh rahi hu ki I was just so happy and so joyous and so wonderful. Meri maa jo थी ना, गणेश जी वॉज हर वेरी स्पेशल एंड डियर टू हर, तो इट आई एम जस्ट सो हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। ओवरऑल इस गाने को लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, माय म्यूजिक डायरेक्टर निखिल जी, एंड ही हैज डन रियली फैंटास्टिक वर्क, एंड दिव्य कुमार जी हैज गिवन अ ग्रेट वॉइस एंड लिरिक्स लाइक विमल कश्यप, ऑल टीम हैज डन रियली गुड वर्क, एंड स्पेशली माय डायरेक्टर एंड माय डीओपी, एंड दे ऑल हैज डन रियली गुड वर्क। वॉट एवर यू हैव सीन, जो भी आपने देखा, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो इन सब की वजह से अच्छा लग रहा हूँ। ये हमने मुंबई में ही शूट किया था स्टूडियो में, जैसे मैंने कहा ये टीम वर्क था, हर किसी ने मुझे उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, फ्रॉम माय आर्ट डायरेक्टर लाइक फ्रॉम माय स्पॉट बॉय टू लाइक इवन माय मेकअप आर्टिस्ट, माय मेकअप दादा देवेंद्र दादा, ही इज़ लाइक फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म ही इज़ विथ मी, एंड तो मैं बोलूँगा हर किसी ने इस गाने में सपोर्ट किया है, तो अगर ये गाना अच्छा लग रहा है तो सबकी मेहनत है। इसके अलावा युवराज दो और गाने दिखाए गए, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। और मेरा पहला गाना था एज ए म्यूजिक सिंगल सजदा, जिसमें आपने देखा होगा देयर इज वन गर्ल शी इज फ्रॉम यूक्रेन, एंड अ गाय सुहेल अली खान, एंड वो एक फ्रेंडशिप के ऊपर था,
एक रोमांटिक गाना था, लेकिन सेकंड सॉन्ग जो आपने देखा फुलबामा जो मेहरू जो फुलबामा कांड से थोड़ा इंस्पायर्ड था, बिकॉज कहीं ना कहीं बचपन से मेरे अंदर रहता था कि हम लोग आज यहाँ सेफ खड़े हुए हैं तो क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं जो हमारे ही देश के किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, वो वहाँ डट के खड़े हुए हैं तो आज मैं यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो कहीं एक फीलिंग मन में शुरू से रहती थी मुझे कुछ एक आर्मी बैकड्रॉप पे कुछ तो बनाना है, तो आई ट्राई टू डू दिस एंड वो मैंने डायरेक्ट किया था एज अ डायरेक्टर, वो मेरा पहला काम था। आई एम वेरी हैप्पी विद माई बोथ एक्टर्स एंड माई कंपोजर्स एंड सिंगर्स। बाकी आपने गाना देखा है वो कितना इमोशनल है कि एक पत्नी है जिसकी शादी कुछ एक दो महीने पहले हुई और बॉर्डर पे उसका पति शहीद होके घर में आता है, वो आप समझ सकते हो क्या फीलिंग होती है। तो दैट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो गाना जो रिकॉर्ड हुआ है ये एक चमत्कार है और ये गणपति के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था। इनका फ़ोन आया करीब दोपहर को कि मुझे गणपति का गाना रिकॉर्ड करना है, तो नेक्स्ट डे मैंने दो तीन ट्यून बना के उनको सुनाया। फिर उन्होंने बोल रहे कि अगर ये गाना रिकॉर्ड होना है तो ये कल ही करेंगे वरना ये गाना नहीं होगा। मैंने दो दिन तो देंगे आप, बोलते अगर कल आपने नहीं रिकॉर्ड किया है गाना तो ये गाना नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शूटिंग है आगे। उधर ही कड़क एसी में मेरे पसीने छूट गए, तो मैं बोला युवराज आप मेरे सामने बैठे हो, मैं चार फ़ोन करूँगा। मैंने स्टूडियो को फ़ोन किया, स्टूडियो मिल गया। एक म्यूजिशियन को फ़ोन किया, उसने बोला मेरा कल रिकॉर्डिंग है लेकिन कैंसिल हुआ है। यू वॉन्ट बिलीव इट, उधर ही मैंने बोला युवराज आई एम डूइंग द सॉन्ग, पूरी रात में जाग के उसका मैंने नोटेशन बन कर लिया और सुबह म्यूजिशियंस बना के नेक्स्ट डे मैंने रिकॉर्ड किया गाना और एक ट्रक भर के सामान म्यूजिशियंस लेके आए और मैंने लिटरली ये गाना लाइव रिकॉर्ड किया जो पुराने ज़माने में होता। और ये गाना मैं रियली रियली स्केयर्ड था बिकॉज देयर वाज नो टाइम, बट उनका आशीर्वाद था और इंटेंशंस बड़े, ये ट्रेमेंडस फेथ ऑन माय एबिलिटीज कि आप कर सकते हो, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ और आज तक अभी भी मैं सोचता हूँ कि कैसे रिकॉर्ड हुआ। बदी बापा मोरिया। देखो क्या है कि बहुत सारे गाने बने हैं, ऐसा नहीं ये पहला गाना है, ठीक है, ये मेरा पहला गाना है गणपति का, पर वो काफ़ी स्पेशल होता है। गणपति के सारे गाने स्पेशल है। एक दिन में गाना शूट करना टास्क था, ठीक है, कम टाइम में टास्क था, पर हम जैसे कहते हैं कि गणपति का गाना शूट करना है विघ्नहर्ता है, तो कोई प्रॉब्लम्स चैलेंजेस थे ही नहीं। आई थिंक जितने लोग सेट पे हम 9 to 9 के शिफ्ट में बहुत मज़े से, जो एडिटर है बोलता है एक अच्छी बात है कि जो ढोल वाले उनके चेहरे पे भी चमक है। यस यू नो मैं इतने गाने शूट करता हूँ, अब नौ शाम तक क्या होता है कि ढोल वाले थक जाते हैं, हमने क्लोजअप पहले ले लिए, वाइड शॉट्स ले लिए, पर एंड का जो रहता है, पर एंड में भी वो युवराज जी को मुझे एक सीन याद है जहाँ पे गुलाल वाला जो था एंड में गिर पड़े, मतलब क्या हुआ, मतलब आ जाएगा होश उनको, भाई दूसरा सेट लगा और दूसरा शॉट लगा, मैं एक्चुअली बेहोश हुआ था। और ढोल वाले उतने जोश में एंड के रात के 9:30-10 बजे तक उसी जोश में थे। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज गणपति का गाना है और ये सबके लिए स्पेशल है और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आई थिंक जिस तरीके से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुझे लगता नहीं कि और किसी भी शहर में इतने जोर शोर से, और गणपति गाना कोई भी हो हमेशा सबके दिल के पास रहता है। भी सुन के एक्चुअली घूस बम्स आ गए। तो एक्चुअली क्या है, जब रियल में ये चीज़ होती है तो आई थिंक काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि उस कॉफिन के अंदर कई बार डेड बॉडी भी नहीं होती है। इट कैन बी जस्ट अ कैप और छोटा सा कपड़ा, यू नो द फैमिली इज़ नॉट अलाउड टू ओपन द कॉफिन, बिकॉज जब आप ऐसे कुछ घटना होती है जब जवान शहीद हो जाते हैं तो कई बार उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है। तो मुझे ये चीज़ बताई गई थी शूट से पहले, तो व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर दैट सीन, सो इट वाज इन माय हेड कि ओके दिस इज़ माय हस्बैंड एंड आई डोंट नो वेदर उसकी बॉडी उस कॉफिन में है कि नहीं है। सो व्हेन यू फील एवरीथिंग लाइक दिस एंड यू नो दैट ऐसा रियल में हो रहा है कई लोगों के साथ एंड लोग शहीद हो रहे हैं ताकि बाकी लोग खुशी से रह सके अपने लव्ड वन के साथ एंड लूजिंग देयर लव्ड वंस, तो इट्स वेरी टचिंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट द इमोशंस एंड इट्स लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन।